नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में इस समय जल संकट के हालात हैं और तमाम शहरों की बात करें, छोटे गांव के साथ जो बड़े नगरीय निकाय हैं वो भी इससे अछूते नहीं हैं। और राजधानी भोपाल की अभी हम एक तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर की बात करें तो ये भोपाल की तस्वीर है और आप ये देख पा रहे हैं कि जो कोलार पाइपलाइन है उससे लोग जरिए अपनी प्यास बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है साहब। बढ़िया है। हाँ, क्या पानी के लिए जद्दोजहद चलती रहती है? चलती रहती है साहब। कब से कब तक चलती है वो? तो 24 घंटे चल रही है सर। 24 घंटे रात में चलती है। तो फिर पानी की कमी कहाँ है, तो 24 घंटे चल रही है ये? चल रही सर, अब तो अब पी रहा है पानी सर। पी रहे हैं? तो सड़क पे क्यों आते हैं पानी भरने के लिए? सर यहीं है पानी। क्या यहीं पर आते हैं? कॉलोनी में नहीं आता? कॉलोनी में आता है, नल आते हैं। आपसे आपसे बात करते हैं, क्या हाल है भैया आपका? ठीक है भैया, दो दिन से नल नहीं आ रहा है, गेरवा डैम वाले। हाँ, परेशान हो रहे हैं पानी पीने के लिए, दो दिन से नहीं आ रहे हैं। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया हाल है, 20 मिनट नल आते हैं और क्या है, 20 मिनट नल आते हैं। ये तो बता रहे हैं कि 24 घंटे चलते रहते हैं यहाँ पर। ये तो चलता रहता है, बस घर का नल नहीं आता ना, 20 मिनट से ज़्यादा आता ही नहीं है। 20 मिनट में आदमी कितने 4 डब्बे भरेगा, घर में फैमिली है 5 है, तो आप ये बताइए कितना यूज करेंगे हम। 20 मिनट में गुजारा नहीं होता? कहाँ होता है, 20 मिनट में 4 डब्बे भराते बस। क्या प्रेशर से नहीं आता क्या? नहीं नहीं आता ना प्रेशर से, अकबरपुर में ही रहता हूँ इधर आगे में। पूरी कॉलोनी के ऐसे ही हालात है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कोलर लाइन जो लाइन है बीच बीच में कई जगह ऐसे व्यवस्था कर रखी है। ये तो 24 घंटे चलते हैं, मगर घर का नल भी तो आना चाहिए, उसका भी तो बिल दे रहे हैं। यहाँ से भर के ले जाते हैं? हाँ, यहीं से भर के ले जाते हैं पीने का पानी। और यहाँ पर देखें महिलाएं भी हैं, आपका क्या हाल है? अरे भैया, यहाँ से हट जाएगा तो परेशानी हो जाएगी हम लोगों की, 24 घंटा रातों दिन ये खाली नहीं रहता है, प्यासे मर जाएंगे, बहुत बद्दुआ मिलेगी जो हटवाएगा। नहीं, हम हटवा रहे नहीं, हम तो ये जानने आए कि आपके घर पे नल नहीं आ रहा है क्या आपके घर पे नल नहीं आ रही है? हम तो इसी से पी रहे हैं पानी, आने नहीं आ रहा। इसी से पी रहे हैं? हाँ। हमेशा ऐसे चलता रहता है? हाँ, ये चलता रहता है हमेशा। तो ये क्या लाइन हमेशा चालू रहती है क्या? चालू रहती है हमेशा 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 का ये। लोग फिर यहाँ से भर के ले जाते हैं? यहाँ से भर के ले जा रहा है। आपका क्या हाल है? बढ़िया है सर, मगर पानी की व्यवस्था नहीं है सही से, इसलिए वो पानी की दिक्कत होती है यहाँ पर। काफ़ी लोग प्यासे आते हैं और डिब्बे लगे रहते हैं, तो काफ़ी लोग। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर रहता हूँ मैं, बाजू में। तो घर नहीं आते नल घर में? नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं, यहीं से ले जाते हैं हम लोग, बहुत दिक्कत होती है सर। कितने समय से ले जा रहे हैं आप? यहाँ से करीबन वही 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। ये जो नल की व्यवस्था है ये क्या नगर निगम ने कर रखी है? हाँ, नगर निगम ने कर रखी है। क्या साहब, ये नगर निगम की व्यवस्था है क्या? नहीं सर, ये हमने लगाई प्राइवेट वाले ने, पानी पीने वाले ने। अच्छा, नल की याद खुला ही आता, खुले चलता रहता था, चलता रहता था। फिर ये आपने कर लिया? हाँ, नल की हमने लगा ली। तो आप देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल में हालांकि कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको पानी नहीं मिल पा रहा उनके लिए राहत जरूर है, लेकिन हाँ, जो बात कही जा रही है कि लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हम किसी ग्रामीण इलाके में नहीं है, हम राजधानी भोपाल में हैं और हम एक तस्वीर देख पा रहे हैं इस समय, कोलार इलाके की ये तस्वीर है। लोग बोतल में, कैन में ये पानी यहाँ से भर के ले जा रहे हैं। समझना थोड़ा मसला समझते हैं हम, कहाँ से पानी आ रहा है, और ये देख पा रहे हैं कि लोग पीने का पानी भी इसमें उपयोग कर रहे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। ये कहाँ का पानी है? ये अपना कोलार डैम का। कोलार डैम का? जी सर। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि गड्ढे में से पानी भर रहे हैं आप? नहीं सर, ये चेंबर में से आ रहा है ना, यहाँ से वो फूटा हुआ है। काफ़ी फूटा हुआ है तो सर, काफ़ी साल हो गए। साल हो गए? हाँ। ठीक नहीं हुआ है? वहाँ से साफ यहाँ पे आ गया सर। तो साफ पानी कहाँ जाएगा इसे? ये साफ पानी आ रहा है ना सर इसका, तो सिविल मिल जाता होगा इसमें तो? नहीं, सिविल वाला उधर जा रहा है। आप ये राजधानी भोपाल में देखें तो ये कहा जा रहा है कि कई साल हो गए। साहब, कब से फूटा है? वो तो बहुत पहले से फूटा है। कब से, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? तो अपन जब से देख रहे हैं 4-5 साल हो गए से देख रहे हैं इसके लिए, ऐसे ही सालों से फूटा हुआ है। हाँ, क्या ठीक नहीं किया जाता कि करना नहीं चाहते? अब क्या मालूम अपनों की जानकारी इसकी? नहीं जानकारी, ऐसे ही पानी भरते रहते हैं। अच्छा, पानी पीने के लिए साफ है क्या पानी? है साफ है, क्लियर है पानी तो इसका।
पता नहीं कि सीवेज के पानी मिल जाता हो इसमें? नहीं नहीं मिलता सीवेज का पानी, नहीं मिलता नहीं। यहाँ के जो लोग हैं बता रहे हैं कि साल हो गए इसको, दरअसल ये जो हम पाइपलाइन की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ से ये चैम्बर फूटा हुआ है और यहाँ से पानी जो है ये लगातार बह रहा है। एक जो बात कही जा रही है कि भोपाल में पानी की कमी है, लोगों को घर पे नल कम प्रेशर से पहुंच रहे हैं, पूरे समय नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तस्वीर बात करें तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसी तरह हर दिन 24 घंटे सैकड़ों हजारों जो लीटर पानी है, जो गैलन पानी है, वो इसी तरह यहाँ से बहता जाता है। और देखिए बड़े लोग आदि हो गए हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोग अपने घरों में यहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं, लोग पीने का पानी यहाँ से भर रहे हैं। आपको कितने टाइम हो गए भैया आप यहाँ पानी क्यों लेने आते हैं, आप घर पे नहीं आते नल? नहीं सर, ये दुकान के लिए पानी पीने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, हाँ दुकान के लिए। हाँ सर काफ़ी टाइम हो गया, सब पीने के लिए ले जाते हैं यहाँ से, ऐसे ही चलता रहता है। हाँ क्या आप राजधानी भोपाल की तस्वीर देख रहे हैं और हम देख पा रहे हैं एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। दरअसल ये जो यहाँ पर से पानी भरने की जो है दिनचर्या लोगों की है, लोग यहाँ से आते हैं पानी भर के ले जाते हैं और इसी तरह है। क्यों भैया कहाँ ये पानी कहाँ कहाँ के लिए ले जा रहे हैं आप, पीने के लिए? ये साफ पानी है, ये साफ पानी, ये तो बह जाता है बहुत सारा पानी यहाँ पे। हाँ ये 24 घंटे चलता है कोलार का पानी, ऐसे ही चलता रहता है जी। कभी कोई कंप्लेंट वगैरह इसकी हुई, अधिकारी आए हों देखने? नहीं नहीं कभी नहीं आए। नहीं आपको कितना समय हो गया आप यहाँ से पानी ले जाते हुए? 6 महीने। 6 महीने हो गए ऐसे ही ले जाते हैं, का घर पे ले जा रहे हैं? नहीं नहीं शॉप पर। तो दुकान कहीं की आपकी? मुर्गे की। अच्छा यहाँ से पानी ले जाते हैं। आप ये देखें एक बार फिर हम तस्वीर देखें कि लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, यहाँ रुकते हैं, पानी भरते हैं। और आप देखिए ऑटो रुका है और लोग यहाँ से उतरे और पानी भर लिया। क्या बड़ा आसान तरीका है या पानी मिल जाता है आसानी से? बहुत आसानी से मिलता है, अच्छा पानी है। अच्छा है, मस्त लगता है पानी। खुले में है, क्या दिक्कत है? तो जो साफ पानी बिल्कुल क्लियर, अच्छा पानी है। अच्छा पानी आपके सामने पी रहे हैं। अच्छा पानी कहीं मिलेगा नहीं वो पर आप पीके देखिए। अच्छा इतना ठंडा पानी है, कोलार के अंदर कहीं पानी नहीं मिलेगा इतना ठंडा। एक ये भी व्यवस्था ही है यहाँ पर, कुछ ऐसा बना दिया जाए, बनवा दिया नल लग जाए, रात में तो बेहतर रहता होगा, फालतू पानी है। हाँ ये तो लाइट बंद होने वाली है। अच्छा ये देखिए कि यहाँ पर बात करें तो हर कोई यहाँ रुक जाता है और ये जो पानी है बड़ी बात है कि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लोग ये मानते हैं साफ पानी, लेकिन हम देखें कि जो साफ पानी है भी तो इसी तरह ये लगातार पानी बहता जा रहा है। और देख पा रहे सीधे तौर पर ये गटर में जाके पानी मिल रहा है, यानी जो हजारों लीटर पानी है, जो सैकड़ों गैलन पानी है, वो इसी तरह यहाँ से लगातार बहता रहता है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है, बढ़िया सर, थोड़ा पानी ठंडा पानी मिल रहा है बढ़िया, लेकिन पानी ज़्यादा दे रहा है, बह जाता रहा है, ज़्यादा दे रहा है, उपयोग नहीं हो पाता, उपयोग नहीं हो रहा पानी कर रहा है जनता, बहुत गरीब पानी अच्छा है, ऐसा नहीं। इसका विकल्प क्या है, कुछ बना दिया जाए यहाँ पर नल वगैरह लगा दिया? बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा, जनता पानी पिएगी, अच्छी चीज़ है पानी, बहुत मीठा पानी है, सच्चा पानी कहीं नहीं है भोपाल में, लेकिन उपयोग कम हो रहा है, बह जा रहा है, बेहरा पूरा नाले में जा रहा, कोई काम का नहीं पानी नहीं। रात के समय तो ऐसे ही चलता रहता है पूरा 24 घंटे चलता है, एक नल लगा दिया जाए 24 घंटे चलता रहे। कहाँ का पानी है? कोला डैम का पानी है। कोला डैम का तो कभी बंद नहीं होता ये पाइप? बंद नहीं होता है पाइप, क्या हो सकता है, सुनने में आ रही कि लाइन जो है थोड़ी हो रही, तो ये पाइप लाइन खुलेगी अभी। हाँ तो ये सुनना है 3-4 साल हो गए इसको। हाँ बहुत जल्दी बेरा पानी, 3-4 साल हो गए। हाँ बहुत पानी बेरा है और बेकार जा रहा पूरा पानी, इसके लिए उसमें कहीं मोटर नल लग जाए एक, कोई दिक्कत नहीं। क्या भैया क्या हाल है आपका? आपका कहन तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल इसमें कि फिल्टर पानी हो। फिल्टर पानी ये फिल्टर से भी बढ़िया पानी है। अच्छा फिल्टर ही आ रहा है, क्या लहर चलती है ना तो ठंडा ही रहता है पानी। ये बंद क्यों नहीं होता कभी? बंद नहीं होता, ये क्या लीकेज है हर जगह से, ये बंद हो जाएगा तो पाइपलाइन फट जाती है, इसलिए जगह जगह पे इसने रखा है चैम्बर। नहीं तो इसका उपयोग नहीं है पानी का, दरअसल उपयोग नहीं है, लोग बाग यहीं से भरते हैं पीने के लिए। अगर ये बंद होगा तो आधा चोला तो मिल जाएगा। इसका ऐसा होना चाहिए ना रास्ता कि कुछ यहाँ पर बड़ा टैंक बना दे, बड़ी टंकी बना दे ताकि स्टोर हो जाए, नल लगा दें। नल इतनी पब्लिक इतनी है, नल से हो ही नहीं पाएगा इसका, उनका कभी अभी अधिकारी देखने भी नहीं आते। क्या आते हैं? कोई नहीं आता, नहीं आता।
आते हैं अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी। अच्छा अधिकारी क्या? अधिकारी पानी भर के ले आते हैं यहाँ से, बड़े बड़े बाटले भर के सब ले आते हैं यहाँ से। काम अच्छा चल रहा है साहब क्या? काम चल जाता है इससे अच्छा? बिल्कुल काम चलता है, बराबर चलता है इससे। क्या करें, पानी इससे अच्छा ठंडा और इससे अच्छा नहीं मिलेगा। बह जाता है, उसको बड़ा दुख हो रहा है। बह रहा है वो, काफ़ी टाइम से बह रहा है उसको, तो कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है, जो भी है अच्छा ही होता है। क्या घर में पानी नहीं आता? नहीं आता है घर पे, शाम को नल आता है। ये तो जिधर काम करते हैं वहाँ से, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं रहती तो यहाँ से ले जाते हैं। फुल नल आ रहे हैं आपके घर? फुल नल आते हैं, नर्मदा का आता है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि लोग इस पानी से संतुष्ट हैं जो ले जाते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ पर, लोग रुकते हैं तो अपनी प्यास भी यहाँ पर लगे हाथ बुझा लेते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये एक समय की तस्वीर नहीं है, लगातार तस्वीर है। जब तक सड़क चलती है, जिसे प्यास लगती है यहाँ पर रुकता है, पानी पी लेता है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। कैसा है पानी? अच्छा है। अच्छा है। कितने साल से पीते आ रहे हैं यहाँ पर आप? चलते 15 साल। 15 साल? और ये 15 साल पुराना लीकेज है? और का कल का है जी। अच्छा 15 साल हो गए। कहाँ रहते आप? कहाँ रहते हैं? ये अकबरपुर। अकबरपुर में तो 15 साल से पानी ऐसा ही ये बहता रहता है? बहता रहता है। आपको नहीं लगता कि पानी का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है? लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, यहाँ लगातार बह रहा है। तो पानी जैसे कम आता है ना पीने कोलार, हाँ तो अभी ये लैंडर गई तो सही आ रहा है, नहीं पहले तो आधी मुश्किल पड़ जाती थी पीने की। तो अभी तो देखिए ना, जब पानी है तो उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा। अब लोग भरते भी तो कितना भर के ले जाते हैं, कम ही भर पाते हैं। अरे कम ही का, सब भर के ले जाते हैं, यहाँ से इतना पानी फेंकते हैं। देखिए हम देख रहे पा रहे हैं वहाँ पर तो मतलब आधे क्या, वो तो 95% पानी है, 99% पानी भाई के जा रहा है ना। क्या भैया, क्या हाल है आपका? भाई क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन। हाँ इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन है तो कब से भर के ले जा रहे हैं पानी यहाँ से आप? जब से बह रहा है। ये बता रहे थे भैया कि वो 13 साल से वो देखते आ रहे हैं, 13-14 साल से। बहुत साल हो गए इसको। ऐसे ही बहता रहता है? ऐसे ही बहता रहता, पहले उधर बहता था, अब वो इधर से निकल रहा है। सब पूरे दुकान वाले यहीं से भर के ले जाते हैं। अच्छा पानी, ठंडा पानी, पीने का पानी मस्त है। थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है पानी का। अब क्या कर सकते हैं साहब, वो क्या है यहाँ पे, अगर पाइप लगा के नल लगा दिया जाए अच्छा 2-3 टोटी का, तो साला सोए भी अच्छा भी होएगा। अब ये पानी इतना बह रहा है, किसी काम का भी नहीं आ रहा है। ओवरफ्लो के लिए करा हो ये? नहीं उसके लिए तो नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसके लिए तो चेम्बर बने हुए हैं ओवरफ्लो के लिए, लेकिन ये पाइपलाइन ही पहले से ही फूटी हुई है। हाँ बड़ी बात है कि दुरुस्त नहीं हो रही है। हाँ ये क्या है, यहाँ पे चेम्बर बना के बढ़िया लाइन डल जाए, नल लग जाए तो पानी भरने के लिए सुविधा हो जाएगी। भैया बैरागढ़ से आए पानी भरने? अच्छा बैरागढ़ से आए, आपका क्या हाल है? बढ़िया। कोई सजेशन देंगे इसको देखकर? वो तो अभी से नहीं, सालों से पड़ा हुआ है, कई सालों से पड़ा। पहले तो यहाँ से तब भी सही था, ऊपर था नल। अच्छा यहाँ नल लगा हुआ था? ये पाइप जो था ना थोड़ा ऊपर था। हाँ अब तो पूरा उसी में मिल गया वो, तो पानी वहाँ से भी निकलता है क्या आगे से भी कि बंद है वहाँ से? अब हम बस यहीं से, वहाँ का जो लीकेज था वो ठीक हो गया? नहीं नहीं वो तो चल ही रहा है, वो है ही लीकेज। पहले एक पाइप था थोड़ा ऊंचाई पे था, अब वो नीचे हो गया, इधर से ये फूट गया। नल लगा दिया जाए ज़्यादा अच्छा है। कभी पानी पीने कभी नगर निगम वाले अधिकारी निकलते होंगे यहाँ से? डेली ऐसे निकलते हैं, ऑफिस ही यहीं पर है आपके, ये आगे है यहाँ पर निकलते सब यहीं से, बस देखते रहते हैं। उनके नगर निगम वाले यहाँ से भर के ले जाते हैं। नगर निगम वाले भी बड़ा दिलचस्प जो वाक्या हुआ है कि नगर निगम के जो स्टाफ है वो भी पानी यहीं से भर के ले जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि जो बार बार बात कही जाती है कि लोगों को घर पे नल जो है कम प्रेशर से दिए जा रहे हैं क्योंकि पानी की कमी है, लेकिन हम पानी की सीधी बर्बादी यहाँ पर देख पा रहे हैं। और एक बार फिर वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पानी लोगों के लिए सुविधा जरूर बन गया है, लेकिन इस सुविधा का मात्र 1% ही उपयोग हो रहा है। बाकी हम 99% पानी की बात करें तो ये पानी यहाँ से लगातार बह रहा है और सीधे तौर पर ये गटर में जा रहा है। और ये जो लाइन की बात कही जा रही है, ये लाइन कभी बंद नहीं होती, लोग ये कह रहे हैं। और देखिए फिर एक तस्वीर हम देख पे यहाँ पर कि लोग यहाँ रुकते हैं, चाहे वो ऑटो वाले हों, आम लोग हों, यहाँ से पानी भरना ये बड़ी ही आम बात हो गई है।
कोलार में यदि पानी की कमी है, किसी को पानी पीना है तो यहाँ आके चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो रुक ही जाते हैं। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया है। कहाँ आप कहाँ रहते हैं? मेलागढ़ चिचली। यहाँ से कितना दूर? यहाँ से 3 किलोमीटर होगा समथिंग। बाकी यहाँ पर काम करता हूँ मैं लेजित नगर में। हाँ, मार्केट में काम करता हूँ। आपके घर ठीक ठाक पानी आता है? आपके घर आता है? बोर लगा है हमारे घर। अच्छा, बोर है, बोरिंग है। यहाँ पर ठीक पानी है कि डाउन हो गया वाटर लेवल? नहीं, ठीक पानी है। ठीक है। हाँ, 30 फीट पर पानी है वहाँ। तो कोई सजेशन देंगे क्या किया जाए, इसका उपाय क्या है? नल लगवा दिए जाए। अच्छे भैया, बढ़िया। यानी कि बड़े नल हो, यानी किसी को जल्दी वाले हैं तो वो यहीं से पानी भर के लेके जाते। बाकी नल लग जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी पानी वेस्ट नहीं जाएगा। ये और नल लग जाएगा तो बेस्ट रहेगा। हम कोलार लाइन की बात कर रहे हैं, ये लीकेज सिर्फ एक जगह है कि आगे भी कहीं है? लीकेज जयपुर है, आगे भी है शायद। आगे भी है? हाँ शायद है आगे। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये तो नगर निगम के बिल्कुल देख ही नहीं रहे इसको। देखना चाहिए भैया, यानी कि लीकेज हो रहा है पानी, यानी फैल रहा है, यानी कि बड़ा नल लग जाए अच्छा, यानी कि बंद चालू करने वाला सिस्टम रहे तो यानी पानी भी वेस्ट ना जाए और पानी भी जल्दी भरा जाए। यानी कि हम आगे चैम्बर हैं, छोटे छोटे चैम्बर हैं तो वहाँ से भरने में बहुत समय लगता है, आधा आधा घंटा खड़े रहो वहाँ पर, तो इस कारण यहाँ से भर के लेके जाते। अभी हम इसी लाइन की बात करें, आगे थे तो लोग कह रहे थे कि घर में बामुश्किल 20 मिनट नल आते हैं, वो भी कम प्रेशर से। तो घर में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ पर बह जा रहा है। हाँ भैया, यहाँ पर पानी बह रहा है, ये गलत है, ये पानी जा रहा है वेस्ट जा रहा है। बाकी बड़ा नल लग जाए तो ठीक रहेगा, यही कहना चाहता हूँ। देखिए, मध्य राजधानी भोपाल के जो आम नागरिक हैं उनका सजेशन है कि यदि ये व्यवस्था देना ही है कि रास्ते में लोगों को पानी मिल जाए तो उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ पर बकायदा चैम्बर बनाकर नल के जरिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ हर दिन इसी तरह से अभी कितनी क्वांटिटी में पानी बह रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और सीधे तौर पर इस पानी का एकमात्र जो दुरुपयोग यही है कि ये साफ पानी है, स्वच्छ पानी बताया जा रहा है, ठंडा पानी है, लेकिन इस तरह से ये निकल जाता है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या करते हैं हम? कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का, यहाँ से गुजर रहे थे और ये दिख ही जाता है। हाँ, यहाँ से पानी पीते हैं ना, सब लोग पीते हैं। ये अच्छा ठंडा पानी है, कोलार का पानी है, मतलब पीने में एक टेस्ट भी आता है, इसलिए बहुत अच्छा है पानी। आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी, थोड़ा सा यहाँ भी आपको लगता है कि नगर निगम को कुछ कंस्ट्रक्शन कर देना चाहिए, नल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा करना चाहिए? बहुत ज़्यादा करना चाहिए, देखो प्रॉपर व्यवस्था चाहिए, क्योंकि इंसान 10% पानी यूज हो रहा है, बाकी 90% तो फिक्र है। हमको तो 10% भी नहीं लग रहा है। हाँ, वो ही बोल रहे हैं, मतलब 5% पानी यूज हो रहा है जी, बाकी पूरा पानी फिक्र आएगा, तो इसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। कब से देख रहे हैं आप ये? ये तो मैं मतलब इतना ज़्यादा फेंकते हुए नहीं देखा, इतना ज़्यादा तो भी 2-4 साल से देख रहा हूँ, वरना जब से होश संभाला तब से ये लाइनें चलती हुई देखी हैं, 24 घंटे चलती हैं, जब से होश संभाला तब से। अब जब लोगों के घर में पानी नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप ये तो बहुत बड़ी लापरवाही। बहुत बड़ी लापरवाही है, मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा लोगों के घर पर, और यहाँ पर पानी चल रहा है फिक्र है, और कोलार का ही पानी नहीं आ रहा, कोलार का पानी यहाँ तक फिक्र है। लाइनें हर 1 महीने में 2 महीने में हर बार टूटनी है, खबर आनी है, पानी यहाँ पर पड़ा रहता है, यहाँ से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश से भी ज़्यादा कुछ हो गया, यहाँ पर नाले से ज़्यादा तेज बहता है पानी। बारिश के समय तो ये सीवेज का पानी मिल जाता होगा यहाँ से फिर? हाँ बिल्कुल 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 मिलता है, उस समय पानी नहीं पीते यहाँ से। अभी ये सबको पता है कि क्लीन इसलिए पी रहेंगे, बारिश के टाइम पर थोड़ी ना पियेंगे, क्योंकि सबको पता है सीवेज मिल जाएगा तो फिर पीने का कोई मतलब ही नहीं। बस वो आगे का जो कुछ नल है जहाँ से प्रॉपर वैसे पता है कि हाँ यहीं पर अच्छा पानी है, इसलिए वो पीते हैं। यहाँ से एक बारिश में ये भी डर है ना, देखिए लीकेज है, जब सीवेज का पानी सड़क पर जाएगा, ऊपर आएगा तो बारिश का पानी, तो सीवेज का पानी इस पाइप में भी मिलेगा जहाँ से लीकेज है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, तो उस समय ये पॉइंट यूज़ नहीं किया जाता, आगे का पॉइंट यूज़ किया जाता है, उधर का पॉइंट यूज़ नहीं करे, लेकिन इस पानी में, इस लाइन में सीवेज का पानी मिल जाता है, वो फिर लोगों के घरों में भी जाता होगा, वो ऐसी होता मिलता है, मिलता होगा। ये नगर निगम को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, और सबसे पहले करना चाहिए ये काम सबसे पहले करना चाहिए, तब सही रहेगा उनको। ठीक है सर, जाएं। तो ये देख पा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं बड़े चौंकाने वाली हैं, ये तस्वीर है किसी ग्रामीण इलाके की नहीं है, राजधानी भोपाल की ये तस्वीर हैं। आप देख पा रहे हैं कि पानी है बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, और इसे 1-2 साल नहीं बल्कि 13-14 साल बता रहे हैं कि इसी तरह से जो लीकेज है, लीकेज लगातार बढ़ता जा रहा है, और हर दिन सैकड़ों जो गैलन पानी है इसी तरह से नाली में चला जाता है, बह जाता है। चलिए और आगे देखते हैं और तस्वीरें, लेकिन हम लोगों की प्रतिक्रिया लगातार ले रहे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया, बढ़िया है। ठंडा पानी जी,
लगातार मिल रहा है आपको? हाँ मिल जाता है यहाँ पे ये लाइन। ये लोगों ने तोड़ दी या फिर ये पहले से ही लीकेज है? इसका तो आइडिया नहीं है, अभी लीकेज वो कम था पहले। हाँ अभी ये शायद पहले और ज़्यादा बढ़ गया है इसमें लीकेज। पहले कम था? हाँ पहले कम था, अब बड़ा हो गया है। अभी बड़ा हो गया। रात के समय बंद हो जाता है कि नहीं होता है? नहीं चलता रहता है। हम कोलार की उसी लाइन पर थोड़े से आगे बढ़े हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोगों को पानी मिले और पानी की बर्बादी भी ना हो उसकी एक व्यवस्था यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टैंक बना दिया गया है और टैंक के जरिए यहाँ पर पानी की सप्लाई इस तरह से हो पा रही है। क्या हाल है भैया आपका? बस बढ़िया है। प्यास बुझ जाती है यहाँ पर? हम थोड़े आगे थे तो वहाँ तो देख पा रहे हैं कि बड़ा लीकेज है, पानी बहे जा रहा है। यहाँ व्यवस्था को ठीक लग रही है? ठीक है, यहाँ पानी ठीक लग रही व्यवस्था हमको ठीक है। ये नल वगैरह किसने लगाए भैया? कहाँ पे? ये नहीं, ये तो ऐसे ही लीकेज है थोड़ा। अच्छा लीकेज है थोड़ा सा है यहाँ पर और बड़ी आसानी से लोग यहाँ पर पानी पी रहे हैं। देखिए ये भी एक लीकेज है और लीकेज का जो व्यवस्था कर दी गई है आप ये देख पा रहे हैं। पाइप डाल के रखे, लीकेज चला के रखा जी, यहाँ के कोला लोगों को पानी नहीं आता ना तो इसलिए करके रखा सब। कोला लोगों को पानी नहीं आता ना इसलिए सबने बना के रखा, ऐसे कम से कम 15-20 बने होंगे वहाँ। उस साइड बहुत दानी स्कूल थाने के सामने बहुत तेज आता है, वहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ तो पानी बह जा रहा है। सब है ना यूज हो जाता है खेतों के लिए खोल के रखा, पीछे साइड खेत है ना। हाँ। वहाँ वो खेतों में पानी, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल पा रहा, खेतों में जा रहा तो पड़ेगा और चीज़ से फसल आएगी। पानी वेस्टेज हो रहा है? नहीं हो रहा है ज़्यादा खेतों में, लीकेज में पानी इतना वेस्ट। अरे यार कुछ नहीं होता, वो खेतों में जा रहा है, वो जो हो रहा है वहाँ खोल। कहाँ खेत में, नाली से कौन से खेत लग जाते हैं? खेतों की लाइनें लगी हुई है बिल्कुल, यहाँ इनारपुर में जाके देख लो इतना मोटा पाइप डाला हुआ खेतों में जाता है पानी, और पानी वेस्टेज नहीं होता सब पहुँच जाता है। ये नाली से क्या कोई खेत का कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है भाई साहब। बंद करवाओगे लाइन कोल्हा को पैसा मारोगे क्या भाई? बंद करो भाई साहब, जलिए जीवन। अच्छा ये बताइए आप क्या वहाँ पर क्या सुनिए कोला वाले आपको पानी दे देंगे क्या? सुनिए ना आपको ठीक लग रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए? आपको नहीं लग रहा वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था? आप नल लगा दो, लेकिन कोला को बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस पानी का भैया। नहीं नहीं हम पूरा कोला इसी पानी से। हम तो ये व्यवस्था की तारीफ करने आए हैं कि जो वो हजारों गैलन पानी है बह जा रहा है। कोला वाले बंद करते हैं लेकिन वहाँ पर एक आदमी लोग कर, आदमी प्यासा थोड़ी नहीं मरेगा। व्यवस्था होनी चाहिए जो इसको टूट ना जाए या तो पानी वेस्टेज ना जाए। वो कर ही नहीं पाएंगे ना? नहीं करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए हमें मालूम ना। वो पानी जो बह रहा है तो नहीं कर पाए, आप क्या कर पाएंगे? वो चीज़ जो समझो कोला जी इसी से रहा है, ये भी तो सोचो। तो बात सही है, पानी तो भगवान बहुत देता है। लगता कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर नल लगा देना चाहिए। भोपाल है कुछ नहीं होने वाला, जो जैसा जी रहा है वैसा जीता है, अपने आप काम बनता बाहर में जाए जनता, यहाँ ऐसी हालत है। तो आप उसका बदलाव नहीं, आप उसका समर्थन करते हैं? जैसे उमर शंकर गुप्ता की हालत हो गई ना वैसे आने वाले यहाँ के विधायक की भी हो जाएगी। आप उसका समर्थन करते हैं कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता? हम वोट ही नहीं डालते, अपना वोट वेस्टेज नहीं करते, वोट नहीं डालते किसी को नहीं देते। पीसी शर्मा गुड्डू चौहान को डालते हैं, वो तो यहाँ से लड़ते ही नहीं। हम वहाँ के क्षेत्र के, यहाँ हमारा घर है, हमने ट्रांसफर ही नहीं करवाया इस चार्ट में, रहते यहीं वाले, लेकिन वोट वहीं डलता है हमारा। अच्छा वोट उधर ही देते हैं। चले भाई, तो आप तो ये जो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है आप तो उसका समर्थन कर रहे हैं। फिर भी मैं रात को यहाँ पानी भरने आता हूँ क्योंकि ये पानी आता है, वो कलिया छोट बम का आता है, वो दो दिन में बदबू मारने लगता है, मछली का पानी आता है, पूरा गंदा पानी आता है, कोई सफाई नहीं पानी। इसलिए तो नहीं है कि जो साफ पानी है वो तो बर्बाद हो रहा है, कहाँ से जाएगा लोगों घर में पानी? भाई वही तो कह रहा हूँ, कलिया छोट का जो पानी आता है अभी हमारे घरों में आ रहा है बिल्कुल, 5,000-10,000 जमा करके नगर निगम दे रही है, सिर्फ उससे हम नहाते हैं, पी नहीं सकते उस पानी को, चाहे हम फिल्टर लगा ले चाहे कुछ भी लगा ले सब लगा हुआ है। पीने योग्य पानी नहीं है वो घरों में, और जो पीने वाला पानी है वो खेतों में जा रहा है, वो तो है। अब लेकिन आप ये सोचो ना कि जनता कितना पी रही है पानी, हर 10 मिनट में बस वाला गाड़ी बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ से भरने आता है। हम तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, हम तो उसको बात कर रहे हैं। आप वैसे तो आप मतलब ये कि आप ऐसा भी डाल दोगे कल फिर आ जाएंगे कोला वाले बन कर जाएंगे, परसों ये फिर खोल देंगे, ये तो रोज की कहानी आ गई, क्योंकि ये पानी भेगा ये आज नहीं तो 3 महीने बाद वैसे ही बंद होने वाला। मतलब इसके लिए नगर निगम दोषी नहीं जनता आप मानते हैं? नहीं मानते भाई, जैसा चल रहा वैसे 3 महीने का बंद हो जाए तो वैसे खत्म हो जाएगा। दोषी कौन है क्या बोलेंगे भैया, सभी दोषी यहाँ तो जिसके जेब में पैसा वही दोषी आज के टाइम में। आप देख पा रहे हैं कि दरअसल व्यवस्था बनाने की बात कहें, कुछ लोग भी नहीं चाहते कि व्यवस्था ना हो, लेकिन हाँ ऐसे बहुतायत में लोग हैं जो व्यवस्था बनाने के पक्षधर हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है, बड़े आसानी से मिल जाता है पानी यहाँ पर। आप एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएंगे कि दरअसल हम बात कर रहे हैं कोलार लाइन की, और कोलार लाइन में जगह जगह इस तरह के लीकेज हैं, लेकिन कुछ लीकेज ऐसे हैं जो उनका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन जो हम बड़े लीकेज की बात कर रहे हैं जहाँ से सालों से इसी तरह से पानी लगातार बह रहा है और लोग भी उस पर सवाल उठा रहे हैं और लोगों के बीच चलते हैं। साहब क्या हाल है आपका, क्या करते हैं आप? क्या आपके ही ये आपके घर में पानी आता है प्रॉपर? ये पानी नहीं आता। अरे हम तो आपके घर की बात कर रहे हैं साहब।
अब हम तो डैम के हैं, कोला डैम के। घर में नल से पानी आता है? नहीं आता। नहीं आता है। हेड पंप को भरते हैं क्या? नल नहीं है या फिर पानी नहीं है? नल नहीं है। नल नहीं है, हेड पंप से पानी लेके आते हैं। हेड पंप से? जी। कितना दूर है हेड पंप? करीब करीब यहाँ से इतना, ये पेड़ है इतना लंबा है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा ही है, लोगों समझ लीजिए आप। वहाँ से लेके आते हैं, हेड पंप चलाते हैं, उससे पानी मिलता है। आपने आगे वाला लीकेज तो देखा होगा, कितना कितना पुराना है, कितने साल पुराना है वो? वो तो काफ़ी साल हो गए, 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए उसको? जी। ऐसे ही लगातार बह जा रहा है, बह जा रहा है। तो क्या होता है, पाइप लाइन फूट जाती है ना। हाँ। तो वो बहता है पानी। नगर निगम वाले देखने आते ही नहीं है फिर? नहीं आते हैं। आते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं। हाँ, नहीं टाइम लगता है। नहीं, आप बता रहे हैं वो तो 13 साल पुराना लीकेज है, जो बड़ा वाला लीकेज है, हो सकता है, होगा। आपकी नॉलेज में नहीं है? नहीं, हमारे नॉलेज में। तो हमने राजधानी भोपाल में पानी की दो तस्वीरें देखी। एक तस्वीर वो है कि पानी की किल्लत है, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं हम दूसरी तस्वीर की बात करें, एक तस्वीर ऐसी भी है जहां पर लगातार 13, 14, 15 साल से इसी तरह से लीकेज से पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। बड़ी बात है कि जो कहा जा रहा है, यहां पर नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी पानी लेने आते हैं, जाहिर तौर पर है, ऐसा नहीं कि प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो। लेकिन जो बात कही जा रही है कि भोपाल में पानी की कमी है, यदि इस तरह के लीकेज पर ध्यान दिया जाए तो लोगों को पानी मिल सकता है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।